अंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 3.83। ए बोल सुनिया तुष्ट हैया हैला आचार्य अंतरे जा नीला मोर सिद्ध हैला कार्य। महाप्रभु के इन शब्दों को सुनकर अद्वैत आचार्य प्रसन्न हुए। अपने हृदय में उन्होंने विचार किया कि अब मेरा आंतरिक कार्य सफल हो गया है। तो आंतरिक कार्य क्या था कि भगवान जो है इसको डायरेक्ट रूप में प्रस्तुत करें समाज के अंदर, और कहीं ना कहीं ये भी साबित हो कि चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ। ये भी ज़रूरी है, ऑल्दो गुप्त अवतार के रूप में रहना चाहते थे ताकि लोगों को ये शिक्षा मिल सके कि हर कोई भगवान नहीं है। एक बहुत अच्छा भक्त जो है वो भक्त है, एक साधु है, लेकिन भगवान नहीं है, भगवान का दास है। लेकिन ये शिक्षाओं को लोगों ने तभी मानना था जब ये बात होगी शिक्षाएँ स्वयं भगवान ने दी हैं, इसलिए ये स्थापित होना भी ज़रूरी है कि वो स्वयं भगवान है। तो अद्वैताचार्य आचार्य और उनके बहुत सारे अनुयायी और भगवान के भक्त यही चाहते थे कि ये समाज में ये प्रकट होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ। तभी रूप गोस्वामी ने भी ये बोला कि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषेणम। और ऐसा कई भक्तों ने कोशिश किया तो अद्वैत आचार्य बड़े प्रसन्न हुए कि उनका ये कार्य सफल हो रहा है। आचार्य कहे प्रभु सुनह वचन ऐसा वचन दौर पद परायण। तत्पश्चात अद्वैताचार्य आचार्य ने कहा हे प्रभु कृपया मेरे वचनों को सुनिए, ये सभी व्यक्ति आपके श्री चरणों के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। ये जितने भी व्यक्ति हैं या जितने भी जो मेरे शिष्य हैं वास्तव में आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। तो एक गुरु का यही कार्य है कि वो अपने अनुयायियों को भगवान की सेवा में लगाए, और अनुयायियों का कार्य है कि वो गुरु के समर्पण में निर्देशन में भगवान की सेवा करें, इंडिपेंडेंट होकर ना करें। यही हमारी गुरु परंपरा बताती है। इसलिए अद्वैत आचार्य बता रहे हैं कि जितने भी लोग हैं ये पूर्णतः आपको समर्पित हैं। भगत वत्सल तुम्हें करुणा सागर प्रेम धन दिया निज भक्त रक्षा कर। हे गौरहरि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल हैं, आप करुणा के सागर हैं, कृपया अब अपने भक्तों को दिव्य भगवत प्रेम प्रदान करके उनकी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कैसे होगी जब हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा? क्यों? क्योंकि हर जीवात्मा की जैसे भूख है, जैसे खाना नहीं खाएंगे तो हमारी रक्षा नहीं होगी, विल डाई। हाँ, तो खाने की आवश्यकता हमको है, और खाना अगर टेस्टी होता है तो हम उसको स्वाद लेके खाते हैं, है ना। हो सकता है कि खाने में यदि टेस्ट ना होता तो आदमी खाता ही ना, जैसे आदमी दवाई नहीं खाता है, जैसे आदमी करेला नहीं खाता है, केवल बुद्धिमान व्यक्ति खाएगा, लेकिन अधिकतर लोग तो बुद्धिमान नहीं है। तो भगवान खाने के अंदर ऐसा टेस्ट बनाते हैं कि आदमी अपने आप ही खाता रहे, उसकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, उसको चाहिए,
लेकिन वास्तव में हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है। खाने से ज़्यादा पोषण हमें चाहिए होता है आंतरिक सुख जो होता है। जब आदमी को आंतरिक सुख नहीं होता है तो खाना उसको बहुत बुरा लगता है, अच्छे से अच्छा खाना भी उसको अच्छा नहीं लगता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन में उसको प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कहीं से प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रेम प्राप्त नहीं होगा कहीं से तो आप हमें डिप्रेशन होगा। और उस समय बहुत बढ़िया बढ़िया खाना भी हमारे को स्वस्थ नहीं बना पाएगा। इसका मतलब हम शरीर नहीं है, नहीं तो मशीन को अच्छा इंजन ऑयल पेट्रोल दे दिया जाए तो मशीन बढ़िया चलती है। मशीन यही कही आज मेरे मालिक ने मुझे चलाने से पहले एक लात मारी थी। कार कहेगी अच्छा मुझे लात मारी थी आज सबके सामने, मैं इतने दिनों से चल रही हूँ तुम्हारे लिए। हाँ उसको अच्छा पेट्रोल मिल जाएगा, अच्छा ऑयल मिल जाएंगे तो चल पड़ेगी। लेकिन हम शरीर नहीं है, इसका एक एग्जाम्पल है कि हमें कितना भी अच्छा खाना पीना कपड़ा मिल जाए लेकिन यदि हमें प्रेम प्राप्त ना हो तो हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। और वास्तविकता में संसार में प्रेम है ही नहीं, क्योंकि हर कोई वास्तव में सेल्फिश है, अपने को तृप्त करना चाह रहा है। और अपने को तृप्त करने के लिए वो दूसरे का भी कभी कभी कुछ कर देता है। हाँ तो वास्तविक प्रेम नहीं है, जो कि अनकंडीशनल है, जो कि भगवान और भगवान के भक्तों में ही मिल सकता है। तो जब ये प्रेम व्यक्ति को प्राप्त होता है तब उसकी रक्षा हो जाती है हर तरीके से। हाँ इसलिए कहते थे चैंट एंड बी हैप्पी का मतलब ये कि उसको जब वो चैंट करेगा, भक्तों का संग करेगा, भक्तों के साथ आदान प्रदान करेगा, ददाति प्रति गणाति करेगा इत्यादि, तो उसको वो दिव्य प्रेम प्राप्त होगा जो कि हमारी वास्तविक ज़रूरत है। भगवत प्रेम प्राप्त होगा, एक दिव्य माहौल में वो रहेगा। एक दिव्य माहौल, कौन जानता है आजकल की दुनिया में इस माहौल के बारे में? ये नकली दुनिया जहाँ पे मॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग्स, हम सब ने जिन लोगों ने करी है वो जानते हैं कि इनका सुख थुतला है खोखला है। इसके विपरीत हम लोग देखते हैं नित्य उत्सव मनाना, यात्राएं करना, नाट्य कला साथ में प्रस्तुत करना या उनको देखना, अच्छे विचारों को सुनना, हाँ इनसे कितनी तृप्ति मिलती है इंसान को जो केवल भगवान की भक्ति जान पा रहे हैं। इसीलिए इतने बड़ी तादाद में भक्त बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है, भक्त डरते हैं, सांसारिक लोग डरते हैं कि इनके जैसे हो जाएंगे, सर मंडवा देंगे, कपड़े बदलवा देंगे, कंठी पहनवा देंगे, ये छुड़वा देंगे। लेकिन फिर भी कोई ये नहीं सोच रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में ये बनते कैसे जा रहे हैं, बढ़ कैसे रहे हैं। इसका मतलब उनकी रक्षा हो रही है, इसका मतलब उनको कुछ प्राप्त हो रहा है जो कि इतना बड़ा है कि वो संसार की इस ग्लिटरिंग वर्ल्ड को छोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये बेकार ही होगा, वरना क्यों छोड़ रहे हैं? परम दृष्टवा निवर्तते। तो ये बात इंटेलिजेंट आदमी समझ सकता है, इसलिए कहते हैं यजन्ति ही सुमेधसा। वन हु इज़ इंटेलिजेंट इनफ कैन ओनली अंडरस्टैंड दिस, कैन ओनली डू संकीर्तन, नाम संकीर्तन, यजन्ति ही सुमेधसा। तो इस बात को समझना चाहिए कि ये जो वास्तविक हमारा गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो हमारा वास्तविक धन है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन या उससे जनरेटेड प्रेम या भक्तों के बीच का प्रेम आदान प्रदान, भगवान और भक्तों के बीच का। हाँ ये जो जीवन है बड़ा साधारण है, साधारण जीवन में ही आनंद है, लेकिन इस साधारण जीवन में भी उत्सव है, नाचना है, गाना है, खेलना है, कूदना है, एवरीथिंग। कई लोग कहते हैं जी पैसा तो चाहिए ना, लेकिन इसके लिए पैसा की कैसे, भगवान पैसे की व्यवस्था करते हैं, ये हमें ईगो छोड़नी पड़ेगी। जो ईगो छोड़ देता है उसकी पैसे की व्यवस्था हो जाती है। जो ईगो को पकड़ के रखता है अपनी, जो मीनियल सर्वेंट बनने को तैयार नहीं है, उसका व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अगेन साधारण बनना, मीनियल बनना, उसके लिए सब कुछ अरेंज हो जाएगा वास्तव, और वो इस सुख को ले सकता है। ऐसा नहीं है, कृष्णा इज आई मीन समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सबके लिए बराबर हैं, ऐसा नहीं है वो अमीरों को सुख दे रहे हैं। हाँ तो वाइल वी नीड लक्ष्मी फॉर एवरीथिंग, जब हमारे पाप कर्म कम होते जाते हैं जीवन में तो लक्ष्मी जी भी हमारे पर कृपा करती है धीरे 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 इस प्रकार। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे अद्वैताचार्य को बता, अद्वैताचार्य बता रहे हैं कि अपने भक्तों को दिव्य भगवत प्रेम प्रदान करके उनकी रक्षा कीजिए, नहीं तो इस प्रेम को वो शराब में ढूंढेंगे, रेस्टोरेंट में ढूंढेंगे, उनको लगेगा कि यहाँ है शायद ये आनंद।
तभी से ही सब जन प्रभु काछ गिया, बसिला आसने करी प्रभु के बेड़िया। तब सभी भक्तगण चैतन्य महाप्रभु के निकट गए और चारों ओर बैठते हुए उन्होंने भगवान को घेर लिया। सचंद्रिका रजनी शोभित दिगंतर, आचार्य देखिया पुनः कहिला उत्तर। उस दृश्य में भगवान गौर सायंकाल के आकाश में प्रकाश भरने वाले चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। अद्वैत आचार्य की ओर कटाक्ष करते हुए भगवान गौर ने कहा, कमलाक्ष तुमी मोर परम भगत, तुम्हारे कारण आइलू हेलू बेकत। हे कमलाक्ष, हाँ जी, कमल के नयन हों जिसके, आप मेरे सर्वोच्च भक्त हैं, आपके कारण ही मैं इस जगत में आया हूँ। फिर से भगवान बार बार बोलते हैं इस बात को। तो भगवान संसार में भक्तों के कारण आते हैं, ये भगवान के आने का मुख्य कारण होता है। राक्षसों का वध करना मुख्य कारण नहीं होता है। अब आए हैं तो थोड़ा कहानी में ट्विस्ट भी होना चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए मूवी के अंदर, हाँ, कॉमेडी और रोमांस के साथ साथ। तो वाइल कृष्णा डज रोमांस विद द डिवोटीज, और उसमें हास्य प्रिहास्य भी होता है, साथ में एक्शन के लिए कुछ कुछ विलेन करेक्टर भी होते ही हैं, उनको साइड में चटनी की तरह मार दिया जाता है। लेकिन मुख्य कारण है वो अपने भक्तों के लिए आते हैं, इसलिए बार बार बोलते हैं, ये अद्वैत आचार्य तुम्हारे ही कारण में आया हूँ। मोर गुण नित्य गीत गीत हयो तुम्हें सुखी, सर्व जन भक्ति पर हयो एहा दिखी देखी। आप मेरी महिमाओं का गान तथा नृत्य आदि करने में अत्याधिक सुख का अनुभव करते हैं। बताइए, सुख का अनुभव, वही बात आ गई, सुख का अनुभव। ये एक पर्टिकुलर शब्द हर सारी दुनिया ढूंढ रहा है। एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो अत्याधिक सुख का अनुभव, भगवान का गुणगान करने, गीत गाने, महिमाओं को बोलने, कीर्तन श्रवण कीर्तन में हो सकता है, जो अभी अभी हमने चर्चा करा भक्तों का लाइफस्टाइल, उसमें हो सकता है। और भगवान कह रहे हैं आपको इसमें हो रहा है। मैं देखता हूँ कि यहाँ उपस्थित हर कोई भगवत भक्ति में तत्पर है, इस सभी को इन चीज़ों में मज़ा आ रहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम में। ए बोल शुनिय सही शिवास पंडित, कहे ठाकुर आगे प्रसन्न चित। इन शब्दों को सुनकर शिवास पंडित भगवान गौर के समीप गए और प्रसन्न हृदय के साथ बोले, एक निवेदन प्रभु सुन मोर बोल, कही ते डरांग पुनः चित उतरोल। शिवास पंडित ने कहा, मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं बोलने से भयभीत हो रहा हूँ, मेरा हृदय में, मेरे हृदय में उत्पात हो रहा है। एकटी संदेह पूछो हृदय ये रकार्य, तुम्हारा की भगत भक्त ऐ अद्वैत आचार्य। मेरा हृदय में, मेरे हृदय में एक संदेह है, मेरा प्रश्न है कि क्या अद्वैत आचार्य आपके भक्त हैं? क्या है वो, तो उनकी पोजीशन क्या है? अद्वैत आचार्य आपके भक्त हैं, क्योंकि अभी अभी आपने बोला, लेकिन एक्टिविटी तो आप ऐसे करते हो कि आपके सीनियर हैं। वो अद्वैत आचार्य आपके पैर छूने की कोशिश करते हो, आप किसी तरह अपने बल से, बेचारे बूढ़े हैं, आप उनके हाथ पैर बांध के पकड़ के उनके पैर पकड़ लेते हो, कुछ कर ही नहीं पाता बेचारा बूढ़ा। कौन है यहाँ पर भक्त? यह सुनी क्रोधमुख गौर भगवान, भर्ति सते लागीला क्रोधे अरुण नयान। उद्धव अक्रूर मोर प्रिय दुईजन, आचार्य व सह तुम्ही ना सभा के न्यून था सभा के न्यून। इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर के नेत्र लाल हो गए और क्रोध युक्त मुख से उन्होंने डांटते हुए कहा, उद्धव एवं अक्रूर दोनों ही मुझे अत्यंत प्रिय हैं, क्या आप यह विचार करते हैं कि अद्वैत आचार्य उनसे कम है? तो अद्वैत आचार्य की महिमा के बारे में बता रहे, भारतवर्ष से यही आचार्य समान अमर भगत आचे है न कौन जन। भारतवर्ष में मेरे भक्तों में अद्वैत आचार्य के समान कौन है? एते के बलिया तुम अज्ञान ब्राह्मण, आचार्य समान मोर भक्त नाही आन। हे श्रीवास पंडित, तुम एक अज्ञानी ब्राह्मण के समान बोल रहे हो, यह जानो कि अद्वैत आचार्य के समान अन्य कोई नहीं है। तो शिवास पंडित इसके बाद कोमा में नहीं चले गए, अरे पब्लिकली मुझे डांट दिया, पुराना भक्त हूँ, पंच तत्वों में मेरा नाम है, शिवास आदि गौर भक्तवृंद, आई एम लीडिंग ऑल द रिप्रेजेंट ऑल द रिमेनिंग डिवोटीज अदर देन दीज फोर, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव। मैं उन सबका लीडर था और मुझको ऐसा बोल दिया गया। तो भगवान के जब अंतरंग संबंध होते हैं जिसके साथ, उसके साथ ऐसे ही संबंध होता है। हम सुनते हैं शिला प्रभुपाद के जो क्लोजेस्ट लोग थे, शिला प्रभुपाद बहुत डांटते रहते थे हमको, वैष्णवेर राजा सही मोर आत्मबली, जगत तेरा करता तारी बारे आइला कली। हे अद्वैत वैष्णों के, हे अद्वैत वैष्णों के आचार्य हैं,
ये मेरी आत्मा है, वे जगत के सृष्टिकर्ता है, यहाँ कलयुग के व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए आए हैं। कोई आम आदमी मेरा भक्त है इसका मतलब ये फहम मैं समझे कि आपके बराबर है। अरे वो भी भक्त है, वो भी भक्त है, हम सब भक्त हैं, बराबर ही तो हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। अब कई बार हम कहते हैं अरे ये भी मेरा गुरु भाई है, ये भी मेरा गुरु भाई है, हम सब के गुरु तो एक ही हैं, तो हम सब बराबर हो गए ना। इस तरह के विचार तो ऐसा नहीं है। भगवान के भक्त हैं, उनकी अलग अलग पोजीशंस हैं, भगवान के लिए कौन कितना क्लोज है। हमें अपने आप को निम्न मानते हुए दूसरों को उच्च ही मानना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं ऑल दो आई एम टेलिंग दैट ये मेरे डिवोटी हैं, बट ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, समझ लीजिए। ये साधारण व्यक्ति कौन है कौन नहीं हम तो जानते ही नहीं है इसको। हम तो अपनी छोटी सी बुद्धि से लोगों को एस्टिमेट लगाते हैं लोगों के बारे में कि ये क्या है, ये है, इसकी ये कमियाँ हैं, इसकी ये कमियाँ हैं, इसकी ये कमियाँ हैं। कौन जानता है कि वो व्यक्ति कौन है। कई बार आचार्य लोग बाद में बताते हैं वो तो वो मंजरी थी, वो तो ये थे, वो तो वो डिवोटी थे। बाद में रियलाइजेशन बढ़ती है, या समाज में अक्सर ये प्रथा है, आदमी के चले के जाने के बाद लोग रियलाइज़ करते हैं, लोग इसको पूछते हैं। क्योंकि आदमी के सामने करेंगे ना तो उसकी पूछ होगी, उसको पूजा जाएगा। अब वो तो पूजा जाएगा तो अच्छी बात है, एनवी होती है अंदर से। अरे पूजा जाना है तो भगवान को पूजो यार, तुम आदमी को क्यों पूछते हो। ये बात तो सही है, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए भगवान ने ही कहा है कि जो मेरे भक्त को की पूजा करता है वास्तव में वो मेरी पूजा करता है। लेकिन हमारे अंदर एनवी के कारण हम जीते जी किसी के साथ होने नहीं देते, लेकिन मरने के बाद कहते हैं हाँ अच्छा था तो अच्छा आदमी ठीक है। क्योंकि मरने के बाद वो किसी को फॉलोवर तो बना नहीं पाएगा। अब जीते जी पूजने लग जाएंगे तो उसके अनेक फॉलोवर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एनवी भी रहती है, आदमी बाद में रियलाइज़ करता है कई लोगों की मान्यताओं के बारे में। तो इस प्रकार से भक्त की इम्पोर्टेंस है, और कौन व्यक्ति कितना दिव्य है हम नहीं जानते हैं, इसलिए क्यों किसी के बारे में कुछ सोचें। तो ये बता रहे हैं कि अद्वैत आचार्य को जानते हो तुम, भगवान तो यहाँ बता ही रहे हैं। ये साक्षात जो हैं शास्त्रीय महाविष्णु बलि करे निरूपण से जन अद्वैत अवतार भक्त जन। वैदिक शास्त्र में महाविष्णु के रूप में बताया गया है, वे इस जगत में भक्त के रूप में आए हैं, अद्वैत आचार्य बने। इसलिए कौन किस रूप में आया है कोई नहीं जानता है वास्तव में। यही है सारी बात, किस प्रकार से महाजन यमराज विदुर बन के आ गए, एक साधारण दासी का पुत्र, कौन जानता है कितना महान है। अब भगवान ने बोला मेरे साथ मेरे लिए जितना उद्धव है उतना ही अक्रूर है। अब अक्रूर कंस की राज्य में नौकरी करने वाला एक व्यक्ति है ना, मथुरा में रहते थे, वृंदावन में तो रहते नहीं थे, और भगवान को लेने ही आए थे वहाँ मरवाने के लिए। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं, भगवान के लिए अक्रूर मुझे बहुत प्रिय है। तो हम नहीं जानते हैं कि भगवान के इंटरनल क्या किसके साथ रिश्ते हैं, और ये है कहने की मतलब। एते के कहिए आमी सुदृढ़ वचन आचार्य रप सुतिक भक्ति कर सर्वक्षण अंत। अतः मैं अत्यंत सुस्पष्ट रूप से यह वचन कहता हूँ कि आप सब अत्यंत भक्तिपूर्वक अद्वैत आचार्य का हर क्षण गुणगान करें। अरे भक्त का गुणगान करें। ए बोल शून्य विप्र अंतर ए तरास निशबदे रहे विप्र मुखे ना ही भाष। महाप्रभु के इन शब्दों को सुनकर श्रीवास पंडित ने अपने हृदय में भय का अनुभव किया, वो शांत रहे। मुझसे कोई अपराध हो गया लगता है, मैंने क्या बोल दिया ये। विशांत रहे, उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। तबे से ही गौर हरि बले पुनर्बार अध्यात्म चर्चा तोरा न करीबे आर। तत्पश्चात भगवान गौरहरि ने पुनः कहा कि अब आप फिर से निर्विशेषवाद की चर्चा ना करें। समझ गए, निर्विशेष शून्यवाद, कोई ऊंच नीच नहीं है। संसार में आपने ये शब्द सुना होगा, भेदभाव बढ़ाते हो आप लोग। ये क्या होता है, ये ब्राह्मण है, ये शेड्यूल्ड कास्ट है। अच्छा कास्ट तो मैंने ही गलत वर्ड बोल दिया कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है। कास्ट तो अलग ही चीज़ है, कास्ट तो जन्म के आधार पर होता है, ये तो हमारा बनाया हुआ है। तो आप भेदभाव करते हैं, आप कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये इसको ऐसे नहीं करेगा, ये ऐसे करेगा, ये वो करेगा, सारी जगहों में भेदभाव करते हैं। आप कहते हैं ये डिवोटी है, ये नॉन डिवोटी है। आप डिवोटी और नॉन डिवोटी है, मेरे हमारे साथ एक कुछ लोग थे शुरू में एसोसिएटेड हमारे साथ, तो वही उदारवादी नेचर था उनका बहुत ज़्यादा। वो वुमन लिबरेशन, सबके साथ समान व्यवहार करना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं अक्सर, कहते हैं ये तुम सब लोग इतना कुत्तों के लिए कौन कर रहा है। हम कुत्तों की संस्था खोलेंगे, सबको बराबर देखना चाहिए, हम कुत्तों पे, कुत्तों का कल्याण, कुत्ता कल्याण संस्था।
वो कुत्ता कल्याण कल्याण संस्था खोलेंगे, क्या वो कहेंगे वुमेन लिबरेशन। शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि वुमेन की लिबरेशन अलग तरीके से होती है किसी, शास्त्र वास्तव में इक्वालिटी दिखा रहा है। फिर ये डिफरेंस दिखाया किसने, ये डिफरेंस हमने ही दिखाया माताओं को ये समझा के कि तुम किसी से कम नहीं हो, यदि वो पुरुष के कपड़े पहनती हैं पुरुष के स्टाइल में रहती हैं तो हमने उनके अंदर हीन भावना डाली। जिसके अंदर हीन भावना नहीं होगी वो अपने आप में संतुष्ट होगा, नहीं वो जैसा भी है कहते ना बी योर सेल्फ। अब बी योर सेल्फ कौन रह पाएगा, जो अपने आप में जिसको कॉन्फिडेंस है संतुष्टि है, वो समझता है कि मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ। जो इस बात को नहीं जानता है ही विल ट्राई टू बी समबडी एल्स। एंड कोई व्यक्ति कोई पुरुष यदि माता बनने की कोशिश करे या कोई माता यदि पुरुष बनने का कोशिश करे तो इसका मतलब देयर इज सम इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। लोगों के अंदर हीन अंदर हीन भावना है, वो कपड़ों से उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है लेकिन अंदर से दे बिलीव दैट दे आर लेस, इसलिए वो किसी तरह से उसको कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोग इस तरह की समाज उदारवादी समाजवादी ऐसी बातों से बड़े प्रभावित रहते हैं अक्सर। तो ये एक तरह का निर्विशेषवाद है। विशेषवाद में हर व्यक्ति एक विशेष रोल अदा कर रहा है, हर कोई है ना, कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई क्लर्क है, कोई मार्केटिंग में है, कोई फाइनेंस में है। वी कैनॉट से सब बराबर है क्योंकि सबके रोल अलग हैं, सबकी पावर्स भी अलग हो सकती हैं। कुछ समय ऐसा लगता है कि फाइनेंस वाले बड़े पावरफुल हैं, कुछ समय ऐसा लगता है कि ये मार्केटिंग वाले बड़े पावरफुल हैं। हाँ, समय समय की बात है लेकिन वास्तव में सबके अलग रोल हैं। एक शूद्र भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों में से अनेक कथाएँ सुनते हैं, और ब्राह्मण भी इंपॉर्टेंट है, बट सबके अलग अलग रोल हैं। इन सबको बराबर बोल देना या कुत्ता उत्थान उत्था उद्धार संस्था खोलना, कुत्तों का उद्धार ऐसे नहीं होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब व्यक्ति भगवान के भक्त बनते हैं तो वो समाज के हर प्राणी की रक्षा करने की कोशिश करता है। मुर्गों ने क्या बिगाड़ा है हमारा बताइए, कुत्ता उद्धार संस्थाएं इतनी खुली, मुर्गा उद्धार संस्था क्यों नहीं खुली? मुर्गे की आपने मंडी बना दी, जैसे सब्जी बिकती है वैसे आपने मुर्गा भेज दिया, और कोई सामाजिक कल्याण की संस्था वहाँ नहीं जा रही है क्योंकि उनमें से आधे से ज़्यादा लोग चिकन खाते होंगे, बटर चिकन, रोस्टेड चिकन, लेकिन कुत्ते का उद्धार जरूर होना चाहिए। तो वास्तव में जो लोग कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते वो जानते ही नहीं है कि आत्मा क्या है और किस प्राणी का उद्धार किस प्रकार से किया जाएगा। देयर फॉर दे आर निर्विशेष, क्योंकि उनके अंदर कोई विशेष चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। सिमिलरली दे डोंट नो दैट गॉड, दैट भगवान के पास विशेष गुण हैं, ही इज डिफरेंट देन अस, देयर फॉर दे आर निर्विशेष। हम कहते हैं कृष्ण इज सुप्रीम पावर, सुप्रीमली एंडाउड विद गॉडली क्वालिटीज, उनके अंदर ये है उनके अंदर ये है, विशेष गुण हैं उनके, और हमारे अंदर भी कुछ विशेष गुण हैं। हमारे गुण उनसे अलग हैं क्योंकि हर व्यक्ति, फिर वही बताओ, कोई अलग है, हर किसी का अलग रोल है। मैं अलग हूँ, मेरे साथ में बैठा व्यक्ति अलग है, इसको कहते हैं विशेषवाद। नहीं, विशेषवाद सब बराबर है, बताइए, ना तो उंगलियां बराबर हैं, ना घर के मेंबर्स बराबर हैं, परिवार बराबर नहीं है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई बेटा है, कोई चाचा है, पता नहीं कहाँ से ये शून्यवाद या निर्विशेषवाद, ये एक तरह का समाजवाद, समाजवाद यहीं से आया था, कहने सब बराबर है, फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री का नौकर सब बराबर है, हमारी मांगें पूरी हों, यदि आप हमारी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो इनकलाब जिंदाबाद। ये बहुत बड़े स्केल पे रशिया चाइना में चला, वहाँ से धीरे धीरे फैला। अगेन दिस इज इम्प्रैक्टिकल, हमें समझना होगा हर व्यक्ति का अलग रोल है, कंपनी के मालिक का एक अलग रोल है, एम्प्लॉई का एक अलग रोल है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए जीवन बिताने से वो प्रैक्टिकल है। लेकिन इन सब के आधार क्या होना चाहिए कि हम सब अल्टीमेटली एक भी हैं, इन सेंस कि हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं, हम उनके अंश हैं। ये हमारे अंदर एक कॉमन चीज़ है, ये हमारे अंदर एक समान चीज़ है। उस समान चीज़ के होते हुए भी हमारे अंदर अलग अलग गुण हैं, जैसे कि बिजली का प्लग कूलर में भी लगा है, रेफ्रिजरेटर में भी लगा है, हीटर में भी लगा है, लेकिन काम वो विशेष कर रहे हैं,
पीछे का सोर्स एक ही है, वही हाँ इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर प्रवाहित हो रही है, लेकिन गुण उनके अलग अलग हैं। इस प्रकार से निर्विशेषवाद ना बोलें, समझें कि ये डिवोटी है, डिवोटी होते हुए भगवान का भक्त है, लेकिन बहुत उच्च पोजीशन पे है, ये उत्तम अधिकारी हो सकता है, ये मध्यम अधिकारी हैं और ये निम्न अधिकारी हैं। निम्न अधिकारी कौन है? निम्न अधिकारी मैं हूँ। तो बोला आगे से कभी मत करना ऐसी चर्चा। यदि वह अध्यात्मवादे देखी सुनी ना तो म तब पुनः तोसा बारे नहीं दिव प्रेमा। यदि आप पुनः निर्विशेषवाद के विचारों का श्रवण तथा उन पर अवलोकन करेंगे, यदि आप ऐसा करेंगे तब मैं आप सभी को भगवत प्रेम प्रदान ही नहीं करूंगा। ज्ञान कर्म उपेक्षिला कृष्ण प्रेम हया, यह जानी ज्ञान कर्म ना करे आश्रय। जो व्यक्ति कर्म तथा ज्ञान से विमुख होते हैं वे ही भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कर्मवाद ज्ञानवाद, कर्म करो जी कर्म, क्या कर रहे हो तुम लोग, हरे कृष्णा कर्म करो ना, कुछ काम करो। अरे तो देखो तो सही, एक दिन हमारे साथ रह के देख लो ना, तुम्हारी चटनी बन जाए अगले दिन। कर्म तो तुम्हें तब पता चलेगा, बिस्तर तोड़ने वालों तुम्हें क्या पता कर्म कैसे हो जाते हैं, करके तो देखो हमारे साथ। तुम अपनी जनेन्द्रियों को संतुष्ट करने के लिए करे करते हो। यू वॉन्ट टू सेटिस्फाई योर योर वाइफ और वट एवर शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। श्री प्रभुपाद कहते हैं सारा संसार भाग रहा है केवल इस सेक्स के अराउंड, कर्म कर रहा है उग्र कर्म, बिकॉज दे वॉन्ट टू सेटिस्फाई देयर जेनाइटल्स। उसके लिए वो बड़े बड़े घर ले रहे हैं, आरामदेह बेड ले रहे हैं, खूब पैसा ले रहे हैं, खूब गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, उसका सेंटर वही है। उसके बाद उनके बच्चे पैदा होते हैं उसी उन्हीं उसी कार्यों से और फिर उनके लिए लग जाते हैं, तो है सेंटर वही रह जाता है। इसको वो कर्मवाद कहते हैं, ये कर्मवाद नहीं है वास्तविकता में। कर्मवाद श्रील प्रभुपाद बताते हैं भगवद्गीता में, कर्मयोग किसको कहते हैं समझिए पहले, कर्मयोग का मतलब क्या है। कृष्ण के लिए कर्म करने को कर्मयोग कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग देन? कर्म बोलिए ना, फिर योग क्यों है वो? क्योंकि वो कृष्ण से जो जोड़े आपको वो कर्म कर्मयोग है। इसलिए जो व्यक्ति संसारिक कर्म के ये जो कर्मवाद बोलते हैं और ज्ञान से विमुख हैं, ज्ञान फिर वो ज्ञान की चलो चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं, चर्चा में उनकी चर्चा, भक्त लोग भी चर्चा करते हैं बोधयन्ति परस्परम, बट उनकी चर्चा भक्तिमय होती है, सरेंडर की होती है। हर चर्चा, यदि हम कोई भगवत चर्चा करते हैं तो उस चर्चा से हृदय कोमल होना चाहिए। ज्ञान से हृदय कोमल नहीं होता। आप देखोगे किसी से ज्ञानमय चर्चा करोगे तो यहाँ थोड़ा गर्मी महसूस करोगे थोड़ी देर में, देखोगे यहाँ हीटअप हो जाएगा ये, क्योंकि बर्न करेगा तेज़ी से। इसने ये बोला अब मैं कैसे इसको जवाब दूँ, कैसे मीटिंग के अंदर ये व्यक्ति इंपॉर्टेंस गेन करता जा रहा है, इसके हर पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, मैं पिछड़ता जा रहा हूँ, सोचेगा दिमाग यहाँ इतना जोर लगा देगा ये फूकने लगेगा ये, क्योंकि ये ज्ञानवाद है ना, आई मस्ट प्रूव माई सेल्फ। जो भक्तिमय चर्चा में है उसमें आदमी सुनने में आनंद लेता है, उसको ये नहीं है कि पॉइंट किसने बोला, किसने क्या बोला, कौन जीता कौन हारा, कौन था मुनि श्रेष्ठ है इस, अब ये कौन क्या कहते हैं उसको, जो भी है यहाँ का अध्यक्ष कौन रहेगा, कौन ये आगे डिबेट्स को आगे लेके जाएगा, ऐसा चर्चाएं भक्तों के बीच में नहीं होती हैं। भक्त लोग जब चर्चा कर रहे होते हैं तो दे आर वेरी ईगर टू हियर वट एवर समबडी सेइंग, अरे इसके क्या विचार निकला, बहुत बड़ा मजा आ गया, फिर कोई कहा ये विचार, हाँ क्या विचार निकला, सुन के आनंद ले रहे हो, क्योंकि वो भगवत प्रेम से ओतप्रोत हैं। इसलिए जो कर्म और ज्ञान से विमुख है वही भगवत भक्ति कर सकता है। इसलिए कर्म और ज्ञान का आश्रय कभी ना लें। एई बोल सुनिय कहे श्रीवास पंडित एवर देहताह पाश रहुचित। इन शब्दों को सुनकर श्रीवास पंडित ने कहा कृपया मुझे वर दें कि मेरा हृदय निर्विशेषवाद के विचारों को पूर्णतः भूल जाए। क्या घुस गया मेरे अंदर, हाउ कुड आई नॉट अंडरस्टैंड द एग्जॉल्टेड पोजिशन ऑफ द्वैताचार्य, क्यों मैं अपने दिमाग से सोचता रहा उनके बारे में, और यही क्वेश्चन हमारे लिए है, क्यों मैं अपने दिमाग से सोचता रहा उसके बारे में, उसके बारे में और उसके बारे में। यानी मुझे वर दीजिए कि मेरा दिमाग जो है सही जगह पे आ जाए। मुरारी कहिला आमी अध्यात्म न जानी प्रभु कहे कमलाक्ष हेते जान तुम्हें। मुरारी गुप्त ने कहा है प्रभु मैं निर्विशेषवाद के विषय में कुछ नहीं जानता,
आप क्या बोल रहे हैं निर्विशेषवाद निर्विश्वास, समझ नहीं आ रहा है। महाप्रभु ने कहा आप अद्वैत आचार्य से वास्तविक परम सत्य के बारे में सीख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। और आप एक्चुअली में ऐसी भक्ति वेदांत की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ही वॉज निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, दिस इज, ये लिखा नहीं है, ये मैंने बोला, सॉरी। शुद्ध चित्ते कृष्ण चंद्र कर दृढ़ भक्ति, भक्ति रस से निकटे चेटिका है या मुक्ति। शुद्ध हृदय से गंभीरता पूर्वक कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति करो। स्वयं मुक्ति भगवत भक्ति की दासी के रूप में सेवा करती है। ये मुक्ति भुक्ति के बारे में ज़्यादा मत सोचो, दुनिया में लोगों ने दिमाग खराब कर दिया सबका। पीपल हैव बिकम सेल्फिश इन डिवोशनल एक्टिविटीज, नॉट डिवोशनल बट आध्यात्मिक कार्य जो लोगों को सो कॉल्ड लगते हैं, वो आध्यात्मिक कार्य भी एक बहुत बड़ी इच्छा से ओतप्रोत हैं। वो क्या है, मुक्ति प्राप्त हो जाए, मुक्ति दिला दे भगवान, अब तो मुक्ति दिला दे, उठा ले भगवान, अब तो उठा ले। बहुत परेशान हो गए हैं, सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई, जिम्मेदारियाँ भी पूरी हो गई उनकी, क्या बच्चों को बड़ा कर दिया है, बच्चों ने बच्चे पैदा कर दिए हैं। जैसे सुअर अपने बच्चे पैदा करता है, थोड़े दिनों में बच्चे मुस्टंडे से हो जाते हैं, फिर वो अपने बच्चे पैदा कर देते हैं। तो मुक्ति, हमारे ड्यूटीज़ पूरी हो गई, क्या कर दिया, अब हमने ब्याह कर दिया। ब्याह क्या मतलब क्या हो गया, ब्याह मतलब अब वो दोनों, मेरे बच्चा और बच्ची बहू आनंद कर लेंगे जीवन का, तो मेरी मुक्ति हो गई, अब मुझे उठा लें। तो संसार में लोग भक्ति आध्यात्मिक कार्य भी मुक्ति के लिए करते हैं, इसलिए कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वाह, काम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करके संसार से चले जाओ, क्योंकि ये संसार भोगने के लिए है, और इंसान क्या है, मनुष्य क्या है, भोगता है, और ये जो प्रकृति क्या है, ये भोग्य है हमारे द्वारा। इसलिए भोगते 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 काम की तुष्टि करते हुए मुक्ति को प्राप्त करो। तो ऐसा सिद्धांत वैष्णव लोग नहीं मानते। ए बोल शून्य सबे आनंदित मन, अंतर एक करीला आज्ञा करी बपालन। इन शब्दों को सुनकर हर कोई हृदय में हर्षित हो गया, और अपने अपने हृदयों में भक्तों ने विचार किया कि मैं इसका पालन करूंगा। हरि हरि पदाम्बुज मधुमत तारा, आनंद देना चाहिए सब देवतार पारा। भगवान कृष्ण के चरण कमलों से निर्झरित मधु का स्वादन करके उन्मत्त होकर देवताओं के समूह के समान भक्तों ने हर्ष पूर्वक नृत्य किया। तो भक्तों का नृत्य कैसे होता है, देवताओं के समूह के समान, वो मवालियों की तरह नृत्य नहीं होता भक्तों का, जैसे हमारी पिक्चरों में दिखता है हमें, बड़ा ही डिसेंट नृत्य लगे कि आह क्या नृत्य हो रहा है। इस प्रकार से सारे भक्त लोग क्या हो गए, बड़े आनंदित हो गए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने नृत्य किया। जो व्यक्ति नृत्य करे अक्सर डेली, समझिए उसके हृदय, उसका हृदय कितना स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अस्वस्थ हृदय शरीर को छोड़ दीजिए नृत्य नहीं कर सकता है ना, और डिप्रेशन में है। लेकिन भगवान की भक्ति में ये है, अभी उसने कुछ बोला, अभी उनकी डांट भी पड़ गई, अभी वो नाच भी करने लगे, उनके दिमाग में ये नहीं है कि यार ये सब वही फिर सबके सामने क्या क्या बोल दिया, बेइज्जती कर दी, आई वॉज द लीडर गौर भक्तवृंद शिवास आदि, तो बट इतना डांट बांट पड़ गई है, अभी वो थोड़ी देर में उनका हृदय एकदम साफ हो गया, उन्हें समझ में आ गया कि भक्तों को कैसे देखना है, भक्तों के साथ कैसे रहना है, और सभी ने मिल के ज़बरदस्त तरीके से नृत्य किया। ऐसा ही जीवन हम भी बिता पाएँ यदि हम भक्तों को इस नज़र से देख पाएँ और अपने अहंकार को छोड़ पाएँ। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचनदास ठाकुर की जय।